फ्रेंड्स, मैं राहुल हाजिर हूँ अपने नए ट्यूटोरियल के साथ। और आज मैं आपको इस क्रीम के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है एरिटॉप लोशन। ओके, तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि भाई ये एरिटॉप जेल क्या होता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको ये एरिटॉप लोशन का दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि भाई आप क्रीम के बहुत सारे रिव्यू दिखला दिए, आप मुझे एक लोशन का भी दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, दिखला देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। तो भाई आज मैं आपको लोशन के बारे में बताने वाला हूँ, उसके फ़ायदे के बारे में बताऊँगा, क्या ये सेफ़ है और क्या आपको इसे यूज़ करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी बातें आज करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे वीडियो पे नहीं व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप मुझे सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये वाइट और पिंक में एक बॉक्स है जिसका नाम है एरिटॉप लोशन। ओके, ये इस बॉक्स में आता है और इसका जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो आपको ये इसका कॉम्बिनेशन नहीं मिल जाएगा जिसका नाम है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट लोशन। ये लोशन के फॉर्म में है इसलिए लोशन लिखा हुआ है। ओके, तो दोस्तों आज मैं आपको सारा कुछ क्लियर करता जाऊँगा इसके बारे में। जैसे आप यहाँ पर जस्ट नीचे देखोगे तो यहाँ पर लिखा होगा फॉर टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए ही यूज़ होता है। ओके दोस्तों, तो ये जो है मेरे पास वो है 25 ml का। ओके, और इसका प्राइस आपको दिखा देता हूँ मैं, इसका प्राइस है 83 rupees, जो कि बहुत है दोस्तों। ओके, और इसके साथ आपको 1 year का ओनली एक्सपायरी डिफरेंस मिलेगा, सॉरी 18 month का एक्सपायरी डिफरेंस मिलेगा आपको इसमें। और आपको इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा जानकारी के लिए पूरा देखें ज़रूर। अनबॉक्स करते ही ये कुछ ऐसा लगता है और इसके साथ अंदर से ये एक पेपर निकलेगा दोस्तों, तो आप जब लोगे तो पढ़ लेना इसको, अगर आपको इंटरेस्ट लगा तो ले लेना अभी। ओके, तो जब तक मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, तो आप जैसा कि देख सकते हो ये वाइट कलर के डिब्बे में है और इसको इस कलर के डिब्बे में बनाने का भी एक रीज़न है क्योंकि आजकल बहुत सारे ग्लास के आते हैं तो वो गिर कर फूट जाते हैं, तो इसलिए लोगों ने कंपनी वालों ने ये डिसाइड किया कि प्लास्टिक के ही बनाए जाए। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ढक्कन को खोल दिया है, तो ढक्कन खुलने के बाद इसमें इस तरह का कुछ होता है नॉब। ओके, तो इसमें आप अगर चाहो तो इसे हटा भी सकते हो ढक्कन को, और अगर चाहो तो आप इसमें कुछ नोकेला चीज़ से गड़ा के यहाँ पास और उसे पॉइंटेड चीज़ से कोई भी आप होल कर सकते हो और इसे थोड़ा थोड़ा ही यूज़ कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो ये जो है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट, मैंने जैसे कि आपको पहले बता दिया है कि ये क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जो है वो आपको एक्नी में ही काम देता है। तो दोस्तों, ये बात सही है कि ये क्रीम एक्नी में ही काम आती है, बट ये जो है आपको लोशन फॉर्म में है तो ऐसा मत सोचिएगा कि इसका काम कोई और है। तो दोस्तों, आखिर ये लोशन एरिटॉप लोशन है क्या चीज़, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझसे एक फ्रेंड ने पूछा था कि भाई मेरे फेस पे मुहासे हैं तो मैं क्या करूँ। तो दोस्तों, ये भी इसमें कवर हो सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको कि यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके फेस पे हल्के मध्यम से एक्नीस के निशान हैं या एक्नीस है तो, और मुहासे भी चलेंगे इसके साथ, अगर मुहासे भी है तो वो भी चले जाएंगे इसके साथ साथ। तो दोस्तों, ये जो है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट, ये तीन चीज़ में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अगर आपका पिंपल है और मध्यम सी मुहासे हैं और फेस पे हल्का सा दाग वाग है तो वो भी क्लियर कर देता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसको इस्तेमाल करने का। ओके, इसको हल्के हाथ से लगाना है और इसे पहले तो आप हल्के कोमल साबुन से धो लें और तौलिए से अच्छे से इसको अच्छे से क्लीन कर लें, उसके बाद हल्के हाथों से इसे लोशन को पूरे फेस पे लगा लें और इसे जस्ट छोड़ देना है। ऐसा कोई नहीं है कि इसे नाइट में ही यूज़ करो चाहे सुबह में यूज़ करो, बस आप याद रखिए जब इसे यूज़ कर रहे हो तो आप धूल वगैरह से बचे रहें। ओके दोस्तों, तो इसीलिए मैं आपको रात में लगाने की सलाह देता हूँ क्योंकि वो उस वक्त बहुत सेफ होता है, आपका स्किन रिलैक्स कर रहा होता है और ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा आपकी क्रीम को और बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, अब बात यहाँ पे आता है कि ये कैसे असर करता है। तो बता दूँ मैं आपको, एरिटॉप जो है वो आपकी एक्नी के अंदर से अंदर तक पहुँच करके उसको रिमूव करने के लिए वर्क करता है। ओके, और उसको ज़्यादा होने से कम करता है। और दोस्तों, अगर आपके फेस पे एक्नी है तो आप उसे फोड़िए मत, क्योंकि अगर आपने उसे नाखून से फोड़ दिया तो वो बढ़ भी सकता है, एक्चुअली वो बढ़ जाएगा क्योंकि इन्फेक्शन होने लगता है फिर, और धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होता जाता है, इसलिए आप इसे ना फोड़ें। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई सिम्टम है तो आप इसे यूज़ करें, 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपका
ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करते चलिएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ फिर अपने अगले वीडियो में।